याद रखना, अगर आप आज से परमेश्वर के लिए सोचना शुरू कर दो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बाहर नहीं जाऊंगा, कोई किसी को यहां पर दान नहीं देगा, मैं एक बंदा बिठाऊंगा, डायरी लगाऊंगा, आप उसको दान लिखवाएंगे और वो डायरी के अंदर आपके गिने जाएंगे, अब से दान लिखा जाएगा। और लिखने के बाद जो बीज, मैंने क्या कहा, 1 लाख, 5 लाख, 50,000, 2 लाख, 10 लाख, जो आप देना चाहते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, आप ले आओ। होली स्पिरिट आपसे प्यार करता है, आपको दुगना देगा यीशु मसीह के नाम में। आप किसी और का नहीं, कह रहा है जिन औरतों ने हेल्प की परमेश्वर का घर बनाने के लिए। मैं कह रहा था पवित्र आत्मा, ये हेल्प औरतों ने क्यों की, परमेश्वर ने मुझे कहा 2023 में मैं तेरे लोगों की, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने सोच लिया, बेशक आप कहीं भी रहते हो, आपका घर बनाने में परमेश्वर इसी साल में हेल्प करेगा। आमीन। आपका कैरियर बनाने में इसी साल में हेल्प करेगा। आमीन। आपका करा फ्यूचर बनाने में इसी साल में हेल्प करेगा। आमीन। करा कभी आपने कहकर देखा परमेश्वर को, कहकर देखो आज कि परमेश्वर मैं तेरे लिए समर्पित होना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी सेवकाई में धन जब तक नहीं आया, जब तक मैंने ये नहीं कहा परमेश्वर मुझे ब्रांचें बढ़ानी है। मैं देख रहा था लोगों के दिल ही नहीं खुलते थे, जब मैंने कहा मुझे ब्रांचें बढ़ानी है परमेश्वर, और उसी समय परमेश्वर लोगों के दिल खोलना स्टार्ट कर दिया। कारण लोगों को हीलिंग ज़्यादा मिलने लगी, लोग चंगे होने लगे, लोग गवाहियाँ, एक एक गवाहियाँ आती थी मेरे चर्च में, आज 20-20 गवाहियाँ एक साथ होती हैं, जॉब की भी, बच्चों की भी, हर चीज़ की। मैं कह रहा हूँ कि और उन लोगों के जीवन में काम होना स्टार्ट हो गए जिन लोगों ने समर्पण किया। अब तक मेरी चर्च के अंदर आपने जो बोया है, पादरी बजिंदर ने खाया नहीं है, आपको गिना रहा हूँ, जिन लोगों ने भी बोया है, आसान बात नहीं है। मैं एक भी जगह में कर्जे में नहीं हूँ, मैं किसी के कर्ज में नहीं हूँ, मैं हर जगह, मेरे पास 150 ब्रांचें हैं जहाँ पर सिर्फ पैलेस हैं और किराए पर हैं, मैं उन सबका किराया देता हूँ। पूछ लो वहाँ की पब्लिक पे इतना चंदा नहीं है कि मैं उसको देता हूँ, मैं वहाँ पर किराया मेरी मिनिस्ट्री से जाता है, मेरे अकाउंट से जाता है। हालेलुया। जो लोग मेरे मिनिस्ट्री के बीज बो रहे हैं, परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं 40 दिन उनके लिए उपवास में जाऊँगा, इस साल में तुम्हारा कैरियर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, विश्वास करें यीशु मसीह के नाम में। और एक खासकर मणिपुर में कितने लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, मैं कह रहा हूँ ये मैसेज है मणिपुर वालों के लिए भी। मणिपुर में मेरी टीम जाएगी और हेल्प करके आएगी, जो लोग बीज बोना चाहते हैं हम वहाँ पर खाने का, हर चीज़ का प्रोवाइड करेंगे, जो भी उनको हेल्प चाहिए, कपड़े, घर के सामान, जो भी, वो हमारे फोन नंबर पर फ़ोन करें, और जो हमारी सहायता करना चाहते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो बीज बोएं प्रेयर लाइन नंबर पर। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने सिर पे हाथ रखें सब, कि इसी समय परमेश्वर तेरा वचन, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए, और इसी समय गुड न्यूज को लेकर आए। पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज बीज बो रहे हैं, इनके घर में पवित्र आत्मा जी बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सच में पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पिता पवित्र आत्मा जी आशीष लेना चाहते हैं, तेरा वचन का कलाम जब खुले, तेरा दिल खुले, तेरी मुट्ठी खुले, तेरा आकाश खुले, और स्वर खुलकर, दिल खोल कर इन्हें आशीष दे आदि यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, जिन्होंने मिस्री में बीज बोया, जो समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, देहरादून से, क्या राजस्थान से, कर्नाटका से, यूपी से, बिहार से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना कर रहा हूँ, पंजाब से, दिल्ली से, मेरे पिता हर ब्रांच से, जो ऑनलाइन में बीज बो रहे हैं पवित्र आत्मा इस मिस्री में, मेरे पिता पाकिस्तान से, नेपाल से, क्या परमेश्वर, जिन्होंने बीज बोया पवित्र आत्मा जी, इन लोगों के घरों में आशीष आए, जो गुजरात से, अहमदाबाद से देख रहे हैं, जो पूना से, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा संडे के दिन इनका बीज फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, मैं रिलीज करता हूं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने अपने हाथों से स्कैन किया आज, उन लोगों के हाथों को पकड़ो आज, जिन लोगों ने अपने पर्स से, हाथों से बीज बोया आज यीशु मसीह के नाम में, मैं एंजल ट्रांसफर करता हूं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। इस महीने इनको गुड न्यूज दो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोल आमीन। आमीन। ये तीसरी भविष्यवाणी है, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई उनके रिश्ते हो रहे हैं, सेलिब्रेशन का डे आ रहा है। आमीन। हां, दिल्ली ब्रांच, हां जल्दी से दिल्ली ब्रांच, बैठे रहो, अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय बैठे रहो, गवाही नहीं दे रहा हूं मैं आपके लिए, प्रार्थना कर रहा हूं बस। हालेलुया। गवाही नहीं दे रहा हूं मैं, प्रार्थना कर रहा हूँ, सुनो, शांत हो जा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुम्हारी ब्रांच के लिए बस। अपने हाथों को उठाओ ब्रांच, हाथों को उठाओ चर्च, कैमरा दिखा, पूरे चर्च को दिखाओ, गवाहियां आपने लेनी है, शाबाश।
ब्रांच इसी समय दिल्ली ब्रांच बढ़ रही है। परमेश्वर आशीष दे आपको। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो ब्रांचों में बैठे हैं इसी समय गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इसी समय मेरे पिता इनके जीवन में बड़ी बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक छुटकारा इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग इनके ने खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जिनके घर नहीं उनको घर दे, जो कोई प्रॉब्लम में आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुनो जिसके नाम ए से एन आर सी से और आई और के एल और वाई से हैं दिल्ली ब्रांच, आपको किसी को घर की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ सुनो आपके यहाँ पर कोई सुशी ऐसे कोई नाम है शी शीला 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 कम है यस कम है हालेलुया। मम्मी का नाम है शीला। हाँ हाँ बेटे मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कौन घर से कौन चला जाता है घर से झगड़ा करके, बहुत झगड़ालू है, बहुत झगड़ा करता है। सुनो होली स्पिरिट ने मेरे को बोला कुछ जन जो आपके घर में गुस्सा आता है उनको और भागने उनको स्पिरिट बोलती है कि निकल जा घर से, चला जा कहीं दूर चला जा। ऐसे मैं आत्मा में देख रहा हूँ अब इसी समय। हाँ कम है कम है। हाँ शीला कौन है? हालेलुया पापा इस सिस्टर का नाम भी शीला है। हाँ हाँ उनकी मम्मी का नाम भी शीला है। आपकी मम्मी का भी नाम शीला है। ताड़ी बजाएंगे आज। यस आपसे बात कर रहा हूँ प्रभु। आपके घर में कोई ऐसे है जो मैं बोल रहा था अभी, कोई आपस में एकदम से झगड़ा होता है, मन में विचार आता है निकल जाए यहाँ से दूर चला जाए आपस में, आपके साथ होता है, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है वो घर का कलेश खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप 3 हफ्ते के बाद उस अपने घर में शांति को देखेंगे। परमेश्वर नए एंजल अपॉइंट करेगा आपके घर पर और पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा। मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी ने कुछ पैसा लेकर सारी चीज़ें उधार पर ली हैं, पैसा लेकर उधार लोन कर्जा ऐसे ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे पड़ रहा है आपके घर में। कुछ गहने थे वो भी गिरवी रखती है, वो भी रखती है। जिस भी औरत के गहने दुकान पर कर्जे में रखे हैं छूट रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे ये खुशखबरी है, है आपने? यस बोलो कर्जा लिया हुआ लोन पर चल रहा है मैंने, इसीलिए शीला तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ तेरी माँ के लिए भी कि पवित्र आत्मा बोल रहा है ये उतरना नहीं था, ये भविष्यवाणी है। कह रहा है कि 3 महीने के बाद परमेश्वर आपका सब कुछ चेंज करने के लिए जा रहा है मौसम। आपको पता लगेगा दिल्ली ब्रांच में आने का फायदा है कि नहीं, प्रॉफिट बजिंदर मिस्त्री को ने बीज बोने का फायदा है कि नहीं। आपने जो बोया है पिछले दिनों, आपने बोया है पिछले दिनों, किसी को बताकर नहीं बोया, होली स्पिरिट ने मुझे बोला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा मैंने देखा है तेरे बोने को और मैं तुझे अब बढ़ाऊंगा और आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। किसी का बच्चा वो पढ़ता नहीं है, मतलब माइंड में कमजोर है बच्चा, होली स्पिरिट आप इसी समय गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे कमजोर हैं पेट में कुछ इन्फेक्शन घूम रहे हैं बेटे तेरे और यूट्रस में, मैं ऐसे कर रहा हूँ चेस्ट में कुछ दर्द होता है, कभी कभी पैरों की एड़ियों में दर्द होता है, पैरों की एड़ियों में, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ दोनों, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर तू छू ले, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में और दोनों एक नए घर की तैयारी करो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गुड न्यूज आने पाए, होली स्पिरिट टच कर इस बहन को और परमेश्वर का आत्मा तुझे छुए। इसी समय रिलीज करता हूँ अनॉइंटिंग को और इसी समय रिसीव करो, वो होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है। और इसी समय बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पूरे चर्च में गुड न्यूज आने पर, आपको गुड न्यूज मिल रही है, वचन को सुनो ध्यान से। हाँ शाबाश बोलो आमीन। पापा एक साल से इस भाई की गवर्नमेंट जॉब छूट गई थी, सस्पेंड कर दिया गया था गुरदासपुर में, जब इन्होंने क्रूसेड अटेंड किया और पापा ने ऐसे ही नई गवर्नमेंट जॉब पे दोबारा से बहाल कर दिया गया। तारीफ करो जोर से, सुन रहे आप? हाँ हाँ ठीक
आंखें परमेश्वर आशीष दें। देख रहे हैं आप फाजिलका में, गुरदासपुर में जो लोग मीटिंग में गए थे सबकी डबल डबल गवाहियां आ रही हैं शमसी के नाम में। ठीक है, पूना ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, मुंबई ब्रांच, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ पूना ब्रांच के लिए परमेश्वर इसी समय गुड न्यूज आने पाए। सुनो, इसी समय मैं देख रहा हूँ ए एन आर एस जी और जे नाम वाले लोग आपके बच्चे की किसी की फैक्ट्री खुलने वाली है, कोई बड़ी कंपनी को खोलने वाला है। आमीन। पूना ब्रांच आपके फाइनेंस डबल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बैठ जाएं, गुड न्यूज मिलेगा अभी। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। वचन की सेवकाई में जाएंगे। कितने लोग डरे हुए हैं समाज में आजकल, डर रहे हैं वो आजकल। मैं क्यों 3 हफ्ते से डर के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा आज का हमारा टॉपिक है कि डर के आगे जीत है। किसके आगे जीत है? भैंस के आगे, छोटे के आगे, बकरी के आगे, अरे किसके आगे? डर के आगे। आपने पड़ोसी को बोला है मेरे आगे, कह रहा है डरता इंसान है, भैंस नहीं डरती किसी से। देखा कभी भैंस करके आगे खड़ी रहती है, उसको डंडा ही मारो तो भी नहीं डरती। भाई साहब, भैंस के आगे जीते के गधे के आगे जीते? अबे किसके आगे जीते? अपने पड़ोसी को बोला अबे किसके आगे जीते? बोलो मेरे आगे, मेरे आगे। आपके आपके कदमों के आगे इस वचन के सुनाने के बाद, जो मुझे सुन रहे हैं, आपके घर के बाद एक जीत वाली गवाही खड़ी होगी। आमीन। इस साल के अंदर विक्ट्री, जीत आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे एंजल आपके पास आएंगे जो आपको हर कामों में जिता कर जाएंगे। क्या आप तैयार हैं जीतने के लिए? यस। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे आज सुबह कहा, करा के बहुत सारे लोगों के लाइफ में समस्याएं क्यों हैं? परमेश्वर ने कहा करा क्योंकि वो लोग डर के मारे जीते हैं। किसके मारे? डर के कारण। करा के डर से जीते हैं जो लोग, जो अपनी लाइफ में डर रखते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते और सक्सेसफुल नहीं होते। बोलो हालेलुया। वो कभी बड़े इंसान नहीं बनते। क्यों बोल रहा था परमेश्वर ये? फिर पवित्र आत्मा ने मुझे नीति वचन का 18:14 दिया, तो मैं उसको पढ़ रहा था। हम पढ़ेंगे, हाँ, देखें क्या लिखा नीति वचन 18:14 लिखा। रोग में मनुष्य, चुप कर, मेरे से पहले तैयार होया कर। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। किसमें संभलता है? कर रोग में मनुष्य बीमारी में अपनी आत्मा से संभलता है। इसका मतलब अगर आपकी आत्मा, लिखा जब आत्मा हार जाती है, अपने पड़ोसी को बोलो जब आत्मा हार जाती है, तब तेरे काम हारते हैं। समझ में आया कि नहीं? कह रहा प्रभु ने मुझे कहा, कह रहा कि रोग में बीमारी में मनुष्य आत्मा से संभलता है, कर्जे में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, बीमारी में, समस्याओं में, घटी में, निराशा में, चिंता में अपनी आत्मा को समझाना पड़ता है कि हेलो हेलो चंपा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कहन दे पति नू, पति कहता मैं तेनु तलाक दे देंगा, मैं तेनु कुटांगा, मैं तेनु मारांगा। ओदी आत्मा नू बिठा रहे हैं शैतान थल्ले, ओदी आत्मा नू निराश कर रहे हैं, ओदी आत्मा नू कह रहे हैं, उसकी आत्मा को बोल रहा है कि मैं तुझे निराश करके छोड़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। आपके मुंह से जब शब्द अच्छे निकलते हैं तो परमेश्वर आपको जिताने के लिए खड़ा हो जाता अपनी कुर्सी से। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? इसलिए शैतान ने कह रहा है लोगों को कि आत्मा के साथ खिलवाड़ किया हुआ है, वो आपके विचारों में आता है। शैतान झूठा है और वो आपके विचारों में आकर आपसे इस तरीके के विचार करता है, तू बहुत काली है, तेरा घर वाला भी काला होगा, तेरा बच्चा भी बिल्कुल काला का बाप होगा काला। उससे विचार करता है तू मर जाएगी एक दिन, तेरा कर्जा नहीं उतरने वाला, तेरा घर नहीं बनने वाला, तुझे कैंसर हो गया है, थोड़ी सी खांसी होती है, तुझे थायराइड हो गया है, थोड़ा सा लूज मोशन होता है, तुझे बवासीर होगी है। बहुत सारे विचार आते हैं लोगों के अंदर पुठे सीठे, और हम सोचते हैं कि शायद, और उसी समय विचार डालता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो परमेश्वर भी प्यार नहीं करता। एक आदमी का इसराइल का वीजा फ्लॉप हो गया और शैतान ने उसको कहा, ले तेरे भगवान ने तुझे अपने देश का वीजा नहीं दिया दूसरे देश का क्या मिलेगा? उसने बेचारे ने 3 साल से वीजा नहीं ट्राई किया। जब उस बेवकूफ को मैंने समझाया, उसके बाद आज 24 कंट्रियों में घूम कर आया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? डर वाली आत्माएं
कह रहा आपका पीछा करती हैं, इसलिए कहा आत्मा जब निराश हो जाती है, कह रहा कि तब वो बीमार पड़ता है, तब वो कर्जे में जाता है, तब वो हारता है, तब उसके काम सक्सेसफुल नहीं होते, अनसक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आज रात आपको हाथ उठाकर बोलना है, कह रहा बिजनेस चले ना चले मेरी आत्मा देख रही है बिजनेस डबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपनी आत्मा में तकड़े हो जाओ आज, किस में तकड़े हो जाओगे? आत्मा में। फोटो में तकड़े होने की जरूरत नहीं है, फोटो ऐसे खिंचवाते हैं बॉडी बिल्डर बेवकूफ कहीं के, सुन रहे हो? मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, अपनी अपनी मर्जी है सबकी, कैसे भी फोटो खिंचवा सकते हैं। कई लोग ऐसे फोटो खिंचवाते हैं कार किसी की कैसा लग रहा हूँ मर्जीज तेरी जेब में पैसे नहीं, बेवकूफ कहीं के फोटो खिंचवा रहा। लेकिन आत्मा में तकड़े हो जाओ, समझ रहे हैं कि नहीं? और हाथ रख के फोटो खिंचवाने के बाद अपने घर में रखते हैं, अपनी सहेली को भेजते हैं जहां रिश्ता करना होता है, और उसके बाद जब उसको पता लगता है इसके पास नहीं है, झूठ, तो क्या होता है उसके बाद? निराश हो जाती है, आत्मा हार जाती है। कुछ लोग बोलते हैं इसने झूठ बोलकर रिश्ता किया था, अवतार सिंह प्रिंसिपल बन गया, पहले प्रिंसिपल नहीं था, झूठ बोलकर रिश्ता कर लिया होगा। लेकिन उसकी पत्नी निराश होगी, होगी नहीं? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर हो भी गया है, अब यीशु मसीह में तकड़े हो जाओ, आत्मा तुमसे बातें करने वाला है, आत्मा तुम्हारी फेवर करने वाला है, आत्मा तुम्हें संभालने वाला आज रात, आत्मा तुम्हें कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है, क्योंकि ये गधे का नहीं, जानवर का नहीं, इंसान का नहीं, ये यहोवा का आत्मा है जो आपको नीचे नहीं ऊपर उठाता है, जो आपको बढ़ाने के लिए आया है, इस साल में आपकी तरक्की करने के लिए आया है। अपनी निराशा को उतार दो आज, तकड़े हो जाओ, आमीन बोलकर आज, आमीन, जितने हालेलुया बोल रहे हैं तकड़े हो जाओ, हालेलुया, अपने विचारों को आज चंड मारकर बाहर फेंक दो आज, आज चंड मार दो विचारों, चल बच्चा तू, हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा विचार आते हैं आपके पास, रोज आते हैं, और आप हार जाते हैं, और रोज जो फोटो आपने कार पर रखकर खिंचवाई होती है, आपका दिमाग में आ रहा होता है, पता नहीं मैं जिंदगी में कार लूंगा भी कि नहीं, शैतान बोलता है तू कभी नहीं लेगा, हालेलुया। लेकिन आज रात ये चौथी भविष्यवाणी है, जितने मेरे चर्च में आ रहे हैं, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सबके घर में साल के एंड में कार खड़ी होगी, आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जीतना चाहते हो तो हाथ उठाओ, बोलो प्रभु मेरे अंदर से डर का आत्मा निकाल दे, डर का आत्मा निकाल दे, तूने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है, तूने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया, डर का भय का आत्मा नहीं दिया, डर और भय का आत्मा नहीं दिया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। पढ़ते हैं अय्यूब के 3:25 में, जो मैं बता रहा हूँ वो कैसे होता है, ये डर का आत्मा आपका पीछा कैसे करता है। अरे परमेश्वर के चर्च में जाने के बाद भी, प्रभु के घर आने के बाद भी, उस पर विश्वास करने की बजाय लोग डर जाते हैं, कह रहा इसी कारण से शैतान उनके साथ खिलवाड़ करता है, इसलिए आपके काम नहीं बनते। अगर रोज 120 बार अपनी आत्मा में तकड़े होकर कहो कि मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में, मेरा कर्जा उतर चुका है यीशु मसीह के नाम में, ओ मुझे बच्चा हो चुका है, मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है, मैं कह रहा आत्मा में तकड़े होकर बोलो आज से जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा, आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई औरतें ऐसी होती हैं, हमने तो बहुत बार कहा कुछ नहीं हुआ, कहते रहो परमेश्वर सुनता रहेगा, एक दिन मिराकल होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ पढ़े देखो क्या लिखा, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, कौन है ये अय्यूब है, परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, और क्या बोल रहा है ये, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपकी समझ में आया कि प्रभु को जानने वाले लोगों के ऊपर भी ये भय का आत्मा छा जाता है। या अय्यूब जो है परमेश्वर का इतना बड़ा दास था, प्रार्थना करने वाला, और ये क्या बोल रहा है, कह रहा है जिस बात से, डरावनी बात से मैं डरता हूँ, इसका मतलब बैड ड्रीम आते हैं उसको, रात को डर जाता है, कह रहा वही मुझ पर आ पड़ती है, इसके दिमाग में इसका मतलब विचार आते हैं कि यार तेरे बैल ना मर जाए, तेरा बच्चा ना मर जाए, तेरा नुकसान ना हो जाए, पता नहीं अगले दिन दुकान पर ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे, कह रहा ये है डरावने विचार, ये है डरावनी बातें, कह रहा जिस बात से मैं भय खाता हूँ, इसका मतलब उसने भय खाया,
डर गया और करा वही उसके साथ हो गया। जो आप सोचेंगे, जो आप मुंह से बोलेंगे वो हो जाएगा। इसका मतलब ये, जब आप अपनी आत्मा में डरते हैं और उस काम को नहीं करते कि छोड़ यार कि आज मुझे डर लग रहा है मैं काम पर नहीं जाऊंगा, तो आपको पीछा करने के लिए शैतान, मारने के लिए, एक्सीडेंट करने के लिए, घर में भी आ जाएगा बीमार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अय्यूब जो कह रहा था वो हो गया। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, कह रहा पास्टर जी मेरा बेटा रात को बहुत डरता है और मैं नई कार लेकर आया और ये इतना डरता है, मेरे दिमाग में भी ये विचार आता है जब ये कार लेकर जाएगा कहीं ठोक देगा। कह रहा 2 साल हो गए कंपनी से जब से बाहर निकाली है वैसे ही खड़ी है कार, आज तक चला कर नहीं देखी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा डर का भय का आत्मा आज तेरे बच्चों के ऊपर से जाए यीशु मसीह के नाम में। उस दिन से एक भी उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक बार भी वो बैड ड्रीम नहीं आया। मैं कह रहा हूँ आज 7 साल हो गए उस आदमी को अपनी कारों में घूम रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप डर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जीतने का तरीका, कितने लोग जानना चाहते हैं जीतने का तरीका? जीतने के 2 तरीके हैं, स्क्रीन पर देखो। कह रहा जो अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं, बोलो अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा, अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। अपने विश्वास के एक्शन को और फेस इंप्रेशन को बाहर निकालते हैं, समझ में आ रहे हैं? अपने विश्वास के एक्शन को निकालना है। यहाँ पर यशाया की पुस्तक में लिखा 41:10 में यहाँ बोल रहा था अपने दास को, करा के मत डर, करा इधर उधर मत झांक, मैं तेरा संग हूँ, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, करा के मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का दास जब जब डर रहा था, युद्ध करने नहीं जा रहा, लोगों को प्रचार करने नहीं जा रहा। हो सकता है आप इतने डरे हुए हो, आप उस बिजनेस को ना कर पा रहे हो जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, आप डरे पड़े हो आज के परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में मिराकल होगा कि नहीं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब तक तुम डरते हो तब तक परमेश्वर के एंजल आपके घर में नहीं आते, आपके साथ जा नहीं सकते। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन तुरंत डर जाते हैं। जाइयर प्रार्थना कर रहा था, पहले गया और उसने कहा यीशु मैं घुटने टेक कर विनती करता हूं तेरे से मेरे बच्ची पर दया कर। जब प्रार्थना भी कर ली और उसके साथ जब चल पड़ता है तो क्या हुआ, चलने के बाद तो वो डर रहा था। और यीशु मसीह ने क्या कहा 8:50 में लूका में, मरकुस में बोलता है, कह रहा कि मत डर, कह रहा मत डर केवल विश्वास रख। क्यों कह रहा था? क्योंकि इसलिए कह रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा मुझे शारीरिक लोग पसंद नहीं है, मुझे आत्मिक लोग पसंद है। आत्मिक लोग आत्मिक बातें करते हैं, शारीरिक लोग हाय हाय की चिंता करते हैं। तो उसी समय वो शारीरिक नहीं था। परमेश्वर ने कहा जब तूने मेरे सामने घुटने टेक दिए, जब तूने मेरे सामने पश्चाताप कर लिया तो आप शारीरिक नहीं रहे। तो आज के बाद कह रहा है कि अगर तू डरेगा तो मैं तेरे घर तक नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं कि जब आप डरते हैं तो परमेश्वर का हाथ स्वर्ग में से आपके पास नहीं आ सकता। वो कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, मैं तुम्हें चंगा न कर सकूं। लेकिन जब आप डर वाले बातें दिमाग से निकालते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो परमेश्वर का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। इसलिए उसने इशारा कर याइयर को समझाया कि मत डर, आज तेरी एक बड़ी कंपनी खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मत डर, तेरी बेटी चंगी होने वाली है, तेरी हड्डियां, तेरी नसें चंगी होने वाली है। मैं आज आपकी हड्डियों से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि वो चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी हो सकता है आज आप डरे हो, घर की किस्त देनी है, बच्चों की फीस देनी है। हो सकता है जो दुबई में बैठा हो आज टेंशन कर रहा हो कि मुझे बच्चों की फीस देनी है, घर की फीस देनी है। मॉरिशस में बैठा हो, यहां पर बैठा हो, क्या आप डरे हुए हो? लेकिन वायदा है परमेश्वर का, भागना नहीं है, डर के मारे करा हाथ उठाना है। आज पवित्र आत्मा आपके विश्वास के अनुसार मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को विश्वास है कि वो मिराकल करेगा? करेगा। देखो फिर से क्या कहा उसने, जो अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं और विश्वास के एक्शन बाहर निकालते हैं। लूका 1:18 पढ़े जरा जल्दी से। हाँ हाँ हालेलुया। हाँ हाँ जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ कि देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और ना बोल सकेगा, इसलिए कि तू मैं मेरी बातों की जो अपने समय में पूरी होती हैं प्रतीति ना की। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये देखो मैं तो कैसे बैठा हूँ, पूरा करियो कैमरा जरा,
और ये लड़का भी आराम से बेती शाबाश लिटा पड़ा नहीं सुन रहे हैं। देखो ये जकरिया कौन है, ये जकरिया, ये एक 90 साल का बूढ़ा हो गया, 90 साल का बूढ़ा आदमी जकरिया। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो ये बूढ़ा है, इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी, इसकी मूछ भी है, और जकरिया के पास, इसके पास औलाद नहीं है, इसकी पत्नी के पास औलाद नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता और इसको भी विश्वास नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, ये हमेशा मंदिर का याजक है और ये वहाँ जाता है और प्रार्थना करता है, पास्टर है, और ये प्रार्थना करता है, लोगों के लिए दुआ करता है और उनको घर से भेज देता है इधर उधर दाएं बाएं। और एक दिन जकरिया को स्वर्दू देख रहे थे, नोट कर रहे थे, और नोट करने के बाद इसके पास आते हैं, और आने के बाद बोलते हैं इसका हाथ पकड़कर, कह रहे लोगों को तू बड़े बड़े उनकी प्रार्थनाएं करता है, उनकी धूप को चढ़ाता है, जो सामान लेकर आते हैं परमेश्वर को देता है तू, सर बोला हालेलुया, हालेलुया, कह रहे तू ईमानदार है, लेकिन कह रहे अपनी बारी में तू विश्वास नहीं करता। इसका मतलब विश्वास का एक्शन, विश्वास का एक्शन जब तक नहीं होगा आपके चेहरे पर, याइर के अंदर विश्वास का एक्शन नहीं था, प्रार्थनाएं तो थी लेकिन विश्वास का एक्शन नहीं था। अगर आज आप प्रार्थना करते हो लेकिन एक्शन नहीं है, देखो परमेश्वर जी मुझे विश्वास है तुसी जो मैं मंगया तुसी मैनू देता, लेकिन विश्वास नहीं है, उसके मुंह बता रहा है, बता रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, आपके घर में कार आ गई है, बोलो मेरे घर में कार आ गई है, मेरे घर में कार आ गई है, दिख रहा है इसका मुंह थोपड़ा सड़ा हुआ। अगर इसके घर में कार आ गई होती ऐसे आ रहा था मम्मी मम्मी खुश, आप दूर से देख रहे थे, एक्शन से समझ जाते इसके घर में क्या हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार परमेश्वर आपके एक्शन का विश्वास देखता है। कह रहा यहाँ पर ये लड़का नींद में है और उसको आकर करिया को आकर कहा एक स्वर्दूत ने, कह रहा सुन, कहता है तेरे लिए भविष्यवाणी है, कह रहा मैं तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा हूँ, और इसका चेहरा तो देखो कैसे था सामने देख कैमरे में, सुन तू बाप बनने वाला है। आमीन आमीन, ये बाप बनने वाला है, लेकिन इस बच्चे का एक्शन क्या था, ये तो बच्चा है लेकिन समझ लो बूढ़ा है, इस बूढ़े का एक्शन पता क्या था, 90 साल का हो गया, जनानी के डांट भी चले गए मुंह में से, तू कह रहा बच्चा होगा, मन में कह रहा था। और उसी समय जब जिब्राइल को गुस्सा आ जाता है और जिब्राइल बोलता है, कह रहा सुन, कह रहा मैं वही जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, जब वो मुझे भेजता है तब मैं भविष्यवाणी करने जाता हूँ, ऐसे नहीं जाता हूँ, शौक नहीं है मेरे को, मैं कह रहा हूँ आपका प्रॉफिट वो है, कह रहा जो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कराता है, जैसा वो कहता है वैसा मैं कर रहा हूँ आपके लिए, समझ रहे हैं कि नहीं? yes. यहाँ पर उसने कहा करा विश्वास कर तू बाप बनने वाला है, आंखें मीच रहे तू बाप बनने वाला है, बोलो आमीन आमीन। देखो इसको नहीं पता एक जिब्राइल मेरे साथ खड़ा है और इसको बोल रहा है, ये बूढ़ा आदमी है और ये बाप बनने वाला है, लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहा, वो उसको खुश करने के बोल रहा है आमीन। यहाँ पे जितने चर्च में आते हैं, जो ब्रांचों में बैठे होते हैं, मुझे खुश करने के लिए रोज संडे बोलते हैं आमीन। उसने भी जकरिया को खुश करने के लिए बोल दिया आमीन, उसको जिब्राइल को, और जिब्राइल ने क्या किया, थोड़ी देर में जिब्राइल जब बाहर जा रहा था, इसके मुंह की एक्टिविटी देखी और जिब्राइल वापिस आया, मैं होता तो इसको पहले दो चंडे लगाता, लेकिन जिब्राइल आया और बोलता है करा ले आज से तू 9 महीने गूंगा रहेगा। कहता क्या हो गया क्या हो गया, अरे गूंगा कैसे हो गया, अरे क्या हो गया क्या हो गया, क्यों क्यों क्या गलती हो गया। कहता तूने, कहता मेरा अपमान किया मेरी भविष्यवाणी का, कह रहा परमेश्वर को, कह रहा तूने आत्मिक बंदा होकर पास्टर होकर कह रहा शारीरिक बातें कर रहा है, इसलिए परमेश्वर को शारीरिक लोग पसंद नहीं है, समझ में आई कि नहीं? yes. मैं शारीरिक लोगों से नहीं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, जो हालेलुया बोल सकते हैं क्या? हालेलुया। आत्मिक लोग चर्च में सोते नहीं है, आत्मिक लोग अपनी बाइबल लेकर आते हैं, आत्मिक लोग प्रचार का आनंद लेते हैं, चर्च आमीन बोलकर आमीन ताड़ियां बजाकर, आत्मिक लोग भविष्यवाणी सुनने के बाद कुर्सी से खड़े होकर छलांग लगाते हैं आमीन।
क्या आत्मिक लोग हैं यहाँ पर? यस। अगर है कुर्सी खड़े होकर से लांग लगा के दिखाओ आज। मुझे लग रहा है मेरे चर्च में आत्मिक लोग आ गए हैं। आमीन। एक छलांग लगाकर बैठ जाओ, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आत्मिक लोग वो हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, शारीरिक लोगों को नहीं। उनके लिए जितनी मर्जी भविष्यवाणी कर लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बेचारे जितनी मर्जी भविष्यवाणी कर लो, उनका विश्वास ऐसे ही रहता है, लेकिन आत्मिक लोग सो रहे होते हैं जब उनके लिए भविष्यवाणी होती है। यस, आमीन, आमीन। क्या कह रहा हूं? कह रहा है परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोग बछड़े की नाई कूदते हुए आएंगे गवाही के साथ। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। कह रहा आनंद लेते हैं वचन का, लेकिन कई लोग यहां बैठे होते हैं, बब्बो जब प्रचार खत्म हो जाएगा बता दिए, भैन जी जब खत्म हो जाना दस दी मैनू। ये भी ऐसे ही कर रहा था, सो रहा था। बोला हालेलुया, हालेलुया। और जिब्राइल ने कहा सुन, आज से तू 9 महीने गूंगा रहेगा। कह रहा ये कैसे, इतने बड़े इतना बड़ा क्यों कर रहा, ऐसे क्यों कर रहा? कहता क्योंकि तेरी वाइफ 9 महीने गर्भवती हो जाएगी और कह रहा है पेट से हो जाएगी, पेट बाहर निकल, पेट से हो जाएगी। अब ऐसे पेट से कह रहा 9 महीने उसके पेट पे इशारा करके बोला होगा, लेकिन तू किसी को बताना मत, चुप। कह रहा क्योंकि तेरा मुंह खुलता ही नहीं अच्छी बात के लिए, कह रहा नेगेटिव बात के लिए। उसको क्यों गूंगा कर दिया परमेश्वर ने? क्योंकि वो इतना नेगेटिव हो गया था, क्योंकि अगर उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती तो वो ये भी कहता रहता मैं तो सपना देख रहा हूं, पता नहीं होगा कि नहीं। तीसरे महीने में भी रोते बोलते रहते पता नहीं होगा कि नहीं। पांचवें में भी कहते रहते पता नहीं होगा कि नहीं। छठवें में भी परमेश्वर ठीक रहेगा, आठवीं में ठीक आएगा, बिल्कुल अच्छा बच्चा आएगा, हष्ट पुष्ट आएगा। नौवें जब उनकी आंख के सामने आया इतना आँख खोल के भी कहती है, पति कहती है देखियो दोनों टांगे हैं इसकी। नौवें में भी विश्वास नहीं है, बेवकूफ नहीं कहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? yes. कह रहा इसलिए उसने उसको गूंगा कर दिया। और ये गूंगा व्यक्ति क्या कर रहा था? विश्वास नहीं था, विश्वास का एक्शन नहीं था, और गूंगा हो गया, बाहर निकला मंदिर में से। लोगों ने कहा रे चर्च में आज जिब्राइल स्वर्गदूत आया था, क्या कहकर गया तेरे से? क्या हो गया? कहते गूंगा हो गया, पता ही नहीं लगा। वो कहते डॉक्टर को बुलाओ, चलो डॉक्टर को बुलाओ। कहते ना 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 ना, डॉक्टर का काम नहीं है, अंदर ही अंदर बता रहा, फिर भी नहीं माना। जिस बात के लिए पॉजिटिव प्रचार करने के लिए स्वर्गदूत बोल रहे थे नहीं कर पा रहा था, जब गूंगा कर दिया पॉजिटिव प्रचार करने लगा। और उसको कह रहा डॉक्टर को ले आओ, कह रहा मेरा कादर खान की तरह पेट जो है ना मेरा, कह रहा मेरे को बताए बिना बात पचती नहीं है। उसने क्या किया, लोग आए, पत्नी आई, क्या हो गया मेरे पति को, लिखकर बता रहा है। स्वर्गदूत ने कहा है मिट्टी पे लिखकर बता दिया, कहता है तू मां बनने वाली है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? yes. कह रहा है कि अब गूंगा होने के बाद प्रचार कर रहा है, सही प्रचार कर रहा है। कह रहा है एक्शन देखा, उंगलियां देखी, लिखना देखा। परमेश्वर आपकी हर चीज को नोट करता है। बैठ जा उधर, गूंगे उधर बैठ जा, बैठ जा। हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। आप सुन रहे हैं? कह रहा है ऐ विश्वासी नहीं, परमेश्वर आत्मिक लोगों के लिए नहीं, कह रहा शारीरिक लोगों के लिए नहीं, आज आत्मिक लोगों के लिए जो एक्शन के साथ आए हैं यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज बहुत सारे लोगों की आशीषें गूंगी पड़ी हैं। आप प्रार्थना करते हैं, आप बीज बोते हैं, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करा के जाते हैं, गूंगी हैं चंगाइयां, गूंगी हैं आज आपकी जॉब। अब तक एक भी आशीष नहीं आई है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी की सालों साल के लिए आशीष बंद कर दी है। किस कारण से? क्योंकि लोगों ने खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह का प्रचार करना बंद कर दिया है, लोगों ने खुल्लम खुल्ला गवाही देना बंद कर दिया है, लोगों ने अपने विचारों को कर आज भी शैतानी विचार बना रखा है। वो छोटी सी बात होती है डर आता है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ना ना, माँ बोलती है प्रेग्नेंट होगी, अरे पूरे मोहल्ले में भाई साहब चले जाओ मछरौली के छमरौली में चले जाओ, वहाँ पर यूपी में एक जगह है, वहाँ पर औरतें उनको सिखाया जाता है घूंघट करना, और करे जब प्रेग्नेंट हो जाए तो 3 महीने मुँह नहीं खोलना। हालेलुया,
कोई गवाही नहीं देना, किसी को नहीं बताना। एक पादरी भाई साहब रोज फास्टिंग कर रहा अपने चर्च में लेडीज के लिए, कह रहे परमेश्वर इसे बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। भाई साहब 65 किलो का था, 60 का रह गया आपके सामने खड़ा, प्रार्थना करते करते, और वो औरत आपके सामने नहीं मेरे सामने आकर बता ही नहीं रही है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने कहा डोंट वरी, तुम मेरे चर्च में बीज बोने वाले लोग हो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन उसको डर है कहीं ऐसा ना हो बच्चा बता दूं और गिर जाए। और उसी समय बहुत प्रार्थना किया उसके लिए लगातार, और तीसरे महीने के बाद आ रही है अपनी सास के साथ, पापा आपने प्रोफेसी किया था मेरा बच्चा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शुक्र है, मैंने कहा हफ्ता हो गया, आमीन। मैंने कौन सा हफ्ता चल रहा है, कहती तीसरा महीना, चौथा शुरू हो गया। मैंने कहा है, मैंने कहा अरे तरस खा लेती, मैं 3 महीने से लगातार फास्टिंग कर रहा हूँ, हर हफ्ते कभी 40, 21, 11, क्योंकि मेरे चर्च में 7-8 लोग तो आते थे, अरे तुम्हारे लिए फास्टिंग करनी थी और किसके लिए करूँ। और भाई साहब इतनी फास्टिंग कराया लेकिन लोगों के अंदर डर है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका बच्चा गिर गया। आप समझ रहे हैं, जो लोग कह रहे कि अविश्वास रखते हैं उनकी आशीषें गूंगी हो जाती हैं। आपको विश्वास करना है, आज रात आपकी आशीषें गूंगी नहीं रहेंगी चर्च, आमीन। आपका जो भी काम है आज के बाद गूंगा नहीं रहेगा, आज के बाद परमेश्वर गूंगा नहीं रहेगा, आज के बाद जिब्राइल स्वर्गदूत एक रात आपकी खाट पर आएगा, गूंगा नहीं रहेगा, आज भविष्यवाणी करके जाएगा। यस आमीन। कह रहा प्रॉफिट बजिंदर आपके लिए गूंगा नहीं रहेगा, आज सात भविष्यवाणी करके जाएगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा कई बार क्यों हो जाता है पादरी गूंगा, क्योंकि आपका विश्वास उसे गूंगा कर देता है। ए विश्वास, आप आत्मिक होकर शारीरिक बातें मुंह से निकालते हैं पादरी के सामने, मसीह के सामने, प्रभु के सामने प्रार्थना में। इसलिए परमेश्वर कई बार कह रहा आत्मा पाए हुए लोग वो हैं कि मैं परमेश्वर चंगा हो चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं मरकुस 1:40 को पढ़ रहा हूँ, कह रहा कितनों को विश्वास है? विश्वास है कि परमेश्वर काम करता है? आजकल तो औरतों को भी विश्वास नहीं होता, यहाँ गूंगे की तो बात क्या कर रहे हैं, इसको विश्वास नहीं था। औरतों को भी विश्वास नहीं होता कई बार कि मेरा पति मुझे प्यार करता है, पूछती रहती हैं। देखो ताजमहल की फोटो, एक पति पत्नी शादी होने के बाद 2 साल के बाद ताजमहल पर गए, और ताजमहल पर जाने के बाद पत्नी ने जब ताजमहल देखा बड़ा सुंदर है, और अपने पति को ऐसे हाथ मार रही है पकड़ के, देखो 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 कैसे कर रही है, क्या कह रही है पता है, बोल रही है देखो शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने बनवाया था शाहजहां ने, हाँ ये मैं भूल जाता हूँ दोनों के नाम सेम है, शाहजहां ने बनवाया ताजमहल। कहती देखो उसने अपनी पत्नी की याद में कितनी सुंदर जगह बनवाई, कितना सुंदर घर ताजमहल बनवाया। उसका पति बोला हम भी कम नहीं है, कह रहा बस प्लाट ले लिया, तेरा मरने का इंतजार है। सारे बोलो हालेलुया। पत्नी को विश्वास ही नहीं है भाई साहब कि पति ने प्लांट ले लिया और मकान बनाएगा, लेकिन जब तू ऐसी बात बोल रही है तो वो भी कह रहा तेरा मरने का इंतजार है, ताजमहल का बाप भी बनवाऊंगा। आमीन। बेवकूफ, शादी भी नहीं हुई तभी आमीन बोल रहा है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. करा हमें विश्वास नहीं होता कि कोई हमें प्यार करता है कि नहीं, शैतान रोज आपसे बातें करता है। मैं कह रहा हूँ आज से शारीरिक लोग ये कहते सुनेंगे, लेकिन आत्मिक लोग आज से ये ना कहें कोई मुझे प्यार नहीं करता। बोलो आज से मेरा घराना मुझे प्यार करता है, शमसी के नाम में। मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है, मेरे लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं हर संडे लाइव में बोलता हूँ कि पूरी दुनिया मुझे प्यार करती है। हालेलुया। मैंने देखा भीड़ आ गई फाजिलका में, लाखों की भीड़ गुरदासपुर गया, एक हफ्ते की भीड़ है भाई साहब, ये लाखों लोग वहां पर, मैं हैरान हूँ। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। और पूरी इंडिया में 10 लाख लोग हैं मेरे पास ब्रांचों में। हालेलुया। टोटल हालेलुया। इस क्रिसमस पर आपको दिखाएंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कितने लोग प्यार करते हैं, हम शारीरिक बातें नहीं करते, हम आत्मिक बातें करते हैं। याद रखना अगर आप शरीर के चलाई चलेंगे तो आप जल्दी तरक्की नहीं करेंगे, अगर आप आत्मा के चलाई चलेंगे आज रात कहीं से कहीं पहुंचने वाले हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं जितने आमीन बोल रहे हैं हाथ हिला रहे हैं, आपका एक्शन आपको झोपड़ी से बंगले में ले जाएगा। आमीन। एक दुकान में से दो में ले जाएगा। आमीन। आप छोटी दुकान से शोरूम में जाएंगे। यस आमीन। आप कल टेस्ट कराएंगे, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। आमीन। मैं शारीरिक लोगों से नहीं आत्मिक लोगों से हालेलुया बोलने वालों से बातें कर रहा हूं। हालेलुया। आमीन कहने वालों को सुन रहा हूं मैं। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास है? यस।
एक्शन विश्वास के साथ करा जब आप करते हैं। दो लड़के स्कूल का टेस्ट देकर आ रहे हैं और उसी समय दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं उधर से, तो उसकी मम्मी देखकर समझ आती है, कह रही हमारा बच्चा पास हो गया है। बच्चे एक नाचते जा रहे हैं कूदते हुए, तो मम्मी समझ आती है दूर से। एमएलए एक्शन करता है कि नहीं, ढोल डम डम लाका लाका डम 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 लाका लाका डम 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 डम, इसका मतलब मोहल्ले को पता लग जाता है ये वाला एमएलए जीत गया। जीत गया कि नहीं? कह रहा इसका मतलब, कह रहा जब आप जोर से ताड़ियां बजा रहे हैं, हालेलुया निकाल रहे हैं आज, हालेलुया आप 32 दांत दिखा रहे हैं, हा हा, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर नहीं शैतान समझ गए इन्हें कोई बड़ी गवाही आने वाली है। यस आमीन। समझ गए कि नहीं? यस। कह रहे शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर आज चर्च के अंदर। कह रहे आज दाऊद समझ गया, इसलिए कैसे आया दाऊद भजन संहिता 100 में बोलता है, परमेश्वर मैं तो अब से फाटकों के अंदर आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। कैसे प्रवेश करूंगा? आनंद के साथ, चेहरे के साथ। ऐसे नहीं आगे मैं गुरदासपुर की एंट्री कर दे। कह रहे ऐसे दाऊद अंदर कैसे आया, यूपी वाले कैसे आए? अरे भाई बिहार से आए हैं, गेट खोल दो बहुत गर्मी है। ऐसे नहीं आए हैं। कह रहा कैसे आया दाऊद चर्च के अंदर, 6 दिन अपने घर में कैसे घूमते हो परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 7वें दिन जब आप चर्च के अंदर आते हैं परमेश्वर देखता है जितने शारीरिक थे जितने पापी थे वो आत्मिक हो गए हमसे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आत्मिक लोग आत्मिक चाल चलते हैं। कह रहा दाऊद कह रहा अंदर आया गेट के अंदर, बोलता है परमेश्वर कह रहा आनंद के साथ आया हूं आज मैं, हालेलुया हालेलुया। शैतान कह रहा अरे अभी तो प्रार्थना भी नहीं कराई, अभी तो ऑयल भी नहीं खरीदा, अभी तो ले हैंड भी नहीं कराई, अभी कैसे खुश हो गया? क्योंकि उसके अंदर विश्वास का एक्शन घूम रहा था यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दाऊद आत्मिक हो गया था। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा अय्यूब कह रहा शारीरिक था लेकिन जब आत्मिक बना फिर शारीरिक हो गया, डरावनी बात उसके मुंह से निकल गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा शारीरिक मत बन। कहता दांतों तले उंगलियां दबाता हूं, एक बार तो मुंह से निकाल चुका दोबारा नहीं कहूंगा। दाऊद के जब बच्चे उठा लिए गए, कह रहा डरने के बाद पाप करने के बाद, कहता है परमेश्वर कह रहा जब मैं औरत के साथ पाप में पकड़ा गया, कहता है मैं माफी मांगता हूं लेकिन अब जो मैंने गलती की अब नहीं करूंगा। कहता अब मैं आत्मिक हो गया हूं। अब वो दोबारा से चर्च के अंदर जाता है लेकिन उसके जाने का स्टाइल अलग है, आनंद के साथ जाता है। लेकिन यहां पर लोग जब आते हैं कि अपने अंदर से ये बात कभी नहीं निकालते कि परमेश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया है, जब भी अंदर आते हैं मैं तो पापी हूं, मैं तो पीछे बैठूंगा कहीं पास्टर मेरी पॉल ना खोल दे। यीशु बोल पॉल खोल, मेरी पॉल ना खोल दे, पीछे बैठ के गप्पे मारूंगा, पीछे बैठ के फोन देखूंगा, क्लास में नलायक बच्चों की तरह बैठते हैं, लेकिन दाऊद ने कहा मैं आनंद के साथ आऊंगा। लेकिन यहाँ पर लोग कैसे आते हैं? आजकल लोग डर के मारे भी चर्च में आते हैं। बुढ़िया कैसे आती है चर्च में? ए चल चल, पिछले संडे नहीं गए थे, तेरे को पता पास्टर बजिंदर ने कह रखा जो नहीं जाएगी बिल्कुल बुढ़ी हो जाएगी और जल्दी मर जाएगी, वो भी चलती है चर्च में संडे को, फिर वो भी चर्च आती है डर के मारे। परमेश्वर डर के मारे नहीं है, चले जाओ पक्के पुल वाले पर हरियाणा में, कह रहे जब ट्रक गिर जाते हैं तो वहां पर जाकर पक्के पुल पर मत्था टेक कर जाते हैं लोग डर के मारे। परमेश्वर डराने वाला नहीं, सामर्थ देने वाला जिताने वाला परमेश्वर है। डर का परमेश्वर नहीं है वो आपको डरा कर चर्च बुलाने वाला नहीं है। अगर आप डर के मारे आए हैं और अभी भी डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं काम नहीं सक्सेसफुल होंगे। आज मैं शारीरिक लोगों से नहीं आत्मिक लोगों से जो अपना एक्शन बाहर निकाल रहे हैं आज, विश्वास का एक्शन बाहर निकाल रहे हैं आज, मैंने जो मांगा है मुझे मिल गया। आमीन। डर का आत्मा गो आईबो। यस आमीन। आईबो कर दो डर की आत्मा को। यस। आपके कामों में रुकावट है, अगर डर का आत्मा नहीं जाएगा इसलिए आपके काम नहीं बनते। आपके दिमाग में यही रहता है पता नहीं यीशु प्यार करता है कि नहीं, उसने तो भाई साहब दाऊद के लिए कंपनी बना दी, अब्राहम के लिए यह बना दिया और शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, तुमने कुछ नहीं करा। अगर तुम डर में हो मरने के बाद तुम्हारे लिए भी सब कुछ बना देगा। डरना नहीं है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं इसी धरती पर जीत अगले हफ्ते आपके कदमों को चूमेगी। आमीन। एक गवाही आपके गेट पर अगले हफ्ते आएगी। आमीन। इसी साल में तुम जीतोगे जिन्हों दुश्मनों ने तुम्हें अपने गांव से अपने घर से खदेड़ा है, जिस दुकान से खदेड़ा है। दाऊद को जहां से खदेड़ा था परमेश्वर वहीं पर वापिस लेकर आया।
और उसको उसी दुश्मनों के सामने मेज बिछा कर खिलाया, उनके सामने उसने रोटी खाई और आनंद किया। आमीन। आज रात आप उसी गांव के अंदर जहां आपकी बदनामी की गई है, जहां आपको तुच्छ जाना गया है, वहीं पर उनके बीच में तू मां बनेगी, गवाही आएगी। आमीन। उनके बीच में तेरा बच्चा सक्सेसफुल होगा, कैरियर बनेगा, आपका कैरियर बनेगा। यस। तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी मेज पर बैठ कर खाना खाएंगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो कह रहे हैं आजाद हो जाओ आज। आमीन। मरकुस 1:40 पढ़ेंगे। हाँ हाँ। एक कोढ़ी उसके पास आया, उसे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। फिर से बढ़ो, आगे बढ़ती रहे। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वे शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का प्रचार करने लगा, यहाँ तक कि फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा, चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको दिखा रहा हूँ, सुनो ये लड़का है, देखो। हाँ बेटे इधर आ। जीसस। मैं बोलती एक कोड़ी था। कौन था? कोड़ी। एक कोड़ी। उसके मुंह पर कह रहे ऐसे खुल्लम खुल्ला कप कोड़ जब जिसको हो जाता है, वायरस जिसको हो जाता है, उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया जाता है। डाल दिया जाता है कि नहीं? यस। और कह रहे कोड़ी को कह रहे मुंह ठक दिया गया उसका, और गले में तख्ती डाल दी गई, और क्या लिख दिया गया? पुराने जमाने के अंदर जिसको कोड़ हो जाता था उसको दूर खड़े करने का आदेश था। उसको बोलते गांव के पास नहीं आएगा, तुझे रोटी कुत्तों की तरह बाहर कबाड़े पर फेंक दी जाएगी। तेरे घर के भी आदेश नहीं था कि कोई इसके घर का मिलने जाए, उसको भी गांव से बाहर कर दिया जाए। वायरस की तरह कोड़ था ये, और जब इसको कोड़ हो गया इसके हाथ ऐसे हो गए, दोनों हाथ कर ले, कोड़ से भर गया। और इसको किसी ने बताया कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, ये पश्चाताप करने लगा, शारीरिक था आत्मिक हो गया। और उसके बाद इसने प्रार्थना किया और यीशु मसीह को देखकर दूर से चिल्लाया, बोलता यीशु मसीह मुझ पापी पर दया कर, मैं कोड़ी हूं, मैं कोड़ी हूं। लेकिन यीशु मसीह ने इसको क्या कहा? तू शब्दों से कह रहा है मैं कोड़ी हूं। यीशु मसीह गया और उसकी तख्ती पलट दी और उस पर लिख दिया, तू आज से नापाक नहीं है। हालेलुया। तू आज से कोड़ी नहीं है, तू आज से चंगा हो चुका है। आमीन। उसकी कमर पर लिख दिया गया, तू आज से नापाक नहीं है, तू आज से नापाक नहीं है। हालेलुया। तू आज से कोड़ी नहीं है, तू आज से चंगा नहीं है। और उसको कहा जा, अपनी आत्मा में तकड़ा हो जा और जा लोगों को ये बोलता रहे। जा बोलता रहे लोगों को, बोल मैं कोड़ी नहीं हूं, मैं कोड़ी नहीं हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं। हालेलुया। मैं पाप हो गया हूं। सुन रहे हो क्या कहा इसने? इसने कहा मैं कोड़ी नहीं हूं, मैं पाक हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं। लेकिन एक आदमी इसके पास से निकलता है और कहता है, बेवकूफ कहीं का, अभी भी कोड़ है, अभी भी कोड़ है, बेवकूफ कहीं का झूठ बोल रहा है, अभी भी कोड़ है। इसने क्या कहा कैसे उसको? उसने कहा बेवकूफ होगा तू, कह रहा शारीरिक है तू, कह रहा मैं आत्मिक हो गया हूं, कह रहा मैं आत्मा में चंगा हो गया हूं। हालेलुया। और इसने ऐसे नहीं कहा, ऐसे नहीं जा रहा था ये कि मैं चंगा हो गया हूं, ये बछड़े की नहीं कूदता हुआ जा रहा था, कूदता हुआ जाकर क्या? हालेलुया। क्या कह रहा था? मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं? Yes. इसने कहा मैं चंगा हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं, कह रहा है शारीरिक नहीं, कह रहा मैं आत्मिक हूं, और शारीरिक लोगों से मैं गवाही नहीं सुनाने के लिए आया। शारीरिक लोग देख रहे थे, कह रहे चंगा नहीं हुआ, कहता मैं शारीरिक लोगों के लिए नहीं, कह रहा मैं आत्मिक लोगों के लिए भेजा गया हूं कि मैं उनके बीच में गवाही दे सकूं कि पवित्र आत्मा ने मेरा कोढ़ दूर कर दिया है। आमीन। मैं जो मांग रहा हूं मुझे मिल गया है। आमीन। मेरी जॉब आ गई है। आमीन। तकड़े हो जाओ आत्मा में, कहते रहो, अपनी स्पिरिट में कहते रहो, मुंह से बोलो आज, बोलो मैं जो मांग रहा हूं मुझे मिल गया है,
मांग रहा हूँ मुझे मिल गया, मेरा शरीर भला चंगा हो गया है, मेरा शरीर भला चंगा, मेरा मरा हुआ पैसा वापिस आ गया है, मरा हुआ पैसा वापिस, आत्मा में तगड़े हो जाओ, मेरी बेटी चंगी हो गई है, आमीन, मेरा घराना चंगा हो गया है, आमीन, मैं नापाक नहीं हूँ, मैं पाक हूँ। क्या बोल सकता है मेरे प्रभु के लिए कोई? यस, मैं शारीरिक से नहीं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, आमीन, जो आमीन बोलकर चिल्ला रहे आज, हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे आज, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। जब यीशु ने देखा ये आत्मा में कह रहा है, तो यीशु मसीह ने सिर्फ हाथ ही किया इसकी तरफ, हालेलुया हालेलुया। यीशु ने क्या किया? देखो हाथ ही किया, इसको वैसे ही लग रहा है, दौड़ क्या उधर से, दौड़ क्या मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ, दौड़ क्या, दौड़ के उधर से दौड़ क्या, दौड़ क्या, और देख अभी सामर्थ आएगा, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, नापाक पाक हो जाएंगे आज, आपके एक्शन का इंतजार कर रहा है यीशु आज, हालेलुया, आपको चंगा कर रहा है, बैठ जा अपने स्थान पर जाकर। मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा आज, अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं शारीरिक से नहीं कह रहा हूं, जो आत्मा में तकड़े होंगे उनसे कह रहा हूं आज, लेकिन आपका हालेलुया तकड़ा होना चाहिए आज। यीशु मसीह ने देखा अंधा भिखारी भीख मांग रहा था, कह रहा प्रभु मेरे ऊपर दया कर, उसके पास जाकर बोलता है, कह रहा मैं तेरे ऊपर दया जरूर करूंगा, क्योंकि तूने प्रार्थना करके घंटों घंटों पापों के लिए पश्चाताप करके तू शारीरिक नहीं अब आत्मिक हो गया है, इसलिए जा, मैं तेरे से कहता हूँ तू चंगा हो जा, और वो हो गया है। आमीन। आप शारीरिक नहीं हो, आज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यस, डरता वो है जो पाप करता है, अगर आप डरते हैं तो इसका मतलब आप पाप करते हैं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज वो पाप की जिंदगी मेरे अंदर से जाए, आज वो डर का आत्मा मेरे ऊपर से जाए, आज वो शैतान का आत्मा मेरे ऊपर से जाए, मैं आजाद हो जाऊं। एक आदमी था यशाया 1:18 को पढ़ते हैं, लिखा वहां पर, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के गुनाह बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे। एक आदमी था, उसके पास 18 साल से कोई घर नहीं गाड़ी नहीं, लेकिन वो राजा के पास रहता है, और एक दिन उसके मन में लालच आया, उसने बत्तख उठाकर खाकर मार के राजा की चिकन बना के खा लिया, और इसी समय कुछ लोगों ने सैनिकों ने देख लिया और जाकर उसे एलर्जी करने लगे, फोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, एलर्जी करने लगे और कहने लगे, कहते ओए तूने लाला करा, तूने राजा की बत्तख मार दी, इतनी प्यारी बत्तख, अब तुझे राजा बोटियों बोटियों खा जाएगा, तुझे जेल हो जाएगी, तू मर जाएगा, राजा तेरी गर्दन एक बत्तख के बदले 100 तेरी मुंडियां उतारेगा, 100 टुकड़े करेगा। वो कहता है मुझे बचाओ, मुझे क्या करना है? बोलता है, कह रहा तुझे हमारे घर की रोटियां पोनी पड़ेंगी, हमारे कपड़े धोने पड़ेंगे, हमारे टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है। बेचारा 3 महीने झाड़ू पोछा करता रहा, झाड़ा फूंक करता रहा, खाना बनाता रहा। एक दिन किसी ने उसको सुसमाचार सुना दिया, उसके पास वचन आया, यशाया 1:18 लिखा, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यस, हालेलुया। और उसके अंदर हिम्मत आई, उसने कहा मैं राजा के सामने जाऊंगा, जब परमेश्वर इसके अंदर डालेगा और मेरे पाप क्षमा करेगा। और राजा के पास गया और राजा को कहा, राजा, खैर हम डरते हुए बोला, मैंने तेरी बत्तख खा ली, मुझे माफ कर दे। राजा तलवार लेकर उठा और उसको गले से लगाया, बोलता है तू तो इतना अच्छा काम करता है मेरे राजमहल में, कह रहा तेरे पर 100 बत्तखें कुर्बान, 100 खा जा मेरी, हालेलुया। आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आपने 100 गलतियां क्यों ना की हो, लेकिन अगर आज आपका आत्मिक जीवन सही है, शारीरिक नहीं आत्मिक हो गया, आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो आपने नहीं भी मांगा वो भी आज मिलेगा यीशु मसीह से, आज कर देगा आत्मा चाहेगा। यस, आमीन। डर का आत्मा जाएगा, आमीन। शैतानी विचार आपके अंदर से जाएंगे, यस, आमीन। वो डराने वाले विचार जाएंगे चर्च, आमीन। आप पहले से चंगे हो जाएंगे, यस, आमीन। कैंसर बाहर जा रहा है, यस, आमीन। गिल्टियां बाहर जा रही हैं, आमीन। शुगर बाहर जा रही है, आमीन। मैं शारीरिक लोगों का नहीं आत्मिक लोगों का एक्शन देखने के लिए आऊं, आत्मा कहता है, यस, आमीन। हाथों का एक्शन देखना चाहता है परमेश्वर,
हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक प्रोफेसी नहीं, सात प्रोफेसी आज आपके लिए। यस। आपकी रोटियां मैं देख रहा हूं, एक एंजल आया हुआ है। ओ जीसस। और वो इस हफ्ते के अंदर आपकी रोटियां, आपकी सैलरियां डबल करेगा। आमीन। एक एंजल तुम्हें इस साल के अंदर बड़ी शांति देकर जाएगा। आमीन।